एक व्हाइट ड्रैगन हॉर्स गलती से दलदल में आ गिरता है। उसे अपनी जान गंवाने का खतरा था। तभी अचानक एक आदमी दिखाई दिया। उसकी आवाज से लगता था कि वह इस घोड़े को मदद करने के लिए आया है। लड़के को क्या पता था कि उनकी इस दयालुता से अनजाने में उसका भाग्य बदल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यह सफेद ड्रैगन घोड़ा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने आया था। लेकिन रॉय के कड़े प्रयासों के बावजूद भी घोड़ा ऊंधे मुंह गिर पड़ता है। फिर रॉय उसके पीछे लगी पवन चक्की की ओर देखता है। उसे एक आइडिया आया। प्राइमरी स्कूल के अपने फिजिक्स के नॉलेज का प्रयोग करते हुए वह पवन चक्की पर चढ़ गया। वह धीरे धीरे उसे अपने पैरों से चलाने लगा। उससे घोड़ा धीरे धीरे बाहर आता दिखाई दिया। अंत में रॉय के फिजिक्स के ज्ञान की वजह से व्हाइट ड्रैगन घोड़े को वह सफलतापूर्वक बाहर निकालने में समर्थ रहा। रॉय की दयालुता को देखकर घोड़ा रॉय की ओर देख भावुक हो जाता है। घोड़े की आंखों में से आंसू टपक टपक कर बहने लगते हैं। घोड़े ने अपनी जान बचाने के लिए रॉय का भाग्य बदलने की कसम खाई। बाद में रॉय ने घोड़े की पीठ पर लगी लगाम को हटा एक दहाड़ के साथ वह प्रकाश की किरणों के रूप में आकाश में गायब हो गया। अगले ही दिन रॉय अपने सामने दो काले घोड़ों को खड़ा पाता है। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसमें से एक घोड़ा इंसानों की तरह बातें करता था। उसने रॉय को बताया कि मैं वही व्हाइट ड्रैगन घोड़ा हूं जिसे तुमने कल रात को बचाया था। उसकी जान बचाने के लिए वह रॉय को धन्यवाद कहता है। अब वह जीवन भर रॉय के साथ रहेगा। लेकिन इससे पहले कि रॉय खुश हो उसने दरवाजे के माध्यम से अपने मालिक को गुस्से में उनकी ओर आते